भाई एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दो ट्रैक्टर है, एक फार्म ट्रैक 60 है, एक मैसी फर्गुसन 245 DI है। जो फार्म ट्रैक 60 है जो 2009 मॉडल है, और मैसी फर्गुसन ये 2021 मॉडल है दोस्तों। और दोनों एक साथ एक खेत में हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। जो मैसी है उस पर थ्रेसर लगाई गई है, जो डबल फैन वाली थ्रेसर है, और फार्म ट्रैक 60 में थ्रेसर नहीं लगाई गई क्योंकि ये ज़्यादा तेल पीता है, इसलिए थ्रेसर इसमें नहीं लगाते हैं। और ये 241 है, ये कम तेल पीता है। तो दोस्तों ट्रैक्टर दोनों की पावर बराबर है, जो आपको दोनों ट्रैक्टर 50 HP के मिलेंगे दोनों ही। इंजन की पावर की बात करें जो 60 सबसे ज़्यादा है, ये 3147 CC का इसका इंजन आता है, और मैसी फर्गुसन का आता है 2700 CC का इसका इंजन आता है, जो कि तीन सिलेंडर ट्रैक्टर दोनों ही है। तीन सिलेंडर ट्रैक्टर माने जाते हैं दोस्तों, माने क्या है ये दोनों ही। और इनकी टायर आपको बता दूं, टायर संख्या है इसकी 6/16, अगला वाला टायर है इसका, और पिछला वाला 13/6/28 का पिछला वाला टायर आता है, जो फार्म ट्रैक 60 का है दोस्तों। और बैटरी इसमें साइड में लगाई जाती है, और मैनुअल स्टीयरिंग इसकी आती है दोस्तों। और ये मैसी की बात करें तो मैसी सीरीज जे में आती है, इसके भी टायर जो सेम है 6/16 का अगला है, और पिछला 13/6/28 का पिछला टायर है। जो मैसी फर्गुसन है जिसकी कंडीशन एकदम नई है, 2021 मॉडल है इसलिए, जो आप देख सकते हो आप। और ये कितने पे रोटेट कर रहा है, 10 पर चल रहा है, मतलब 1000 RPM पर ये रोटेट कर रहा है थ्रेसर के साथ। और इधर है जो कि मैनुअल गियर सिस्टम है, 8 गियर है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर आते हैं इसमें, और ऐसे ही इसमें गियर संख्या है, गियर है। और लिफ्टिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है दोनों ट्रैक्टरों की, दोनों ट्रैक्टर वैसे बराबर में समान माने जाते हैं। और साइड लुक जो मैसी का है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों खेती बाड़ी के काम में, थ्रेसर के काम में, और बिजनेस के काम में आप मैसी ले सकते हो आराम से। मैसी सबसे अच्छा ट्रैक्टर है, और फार्म ट्रैक 60 अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा ज़मींदार है और आप पैसे वाले हो, मोटी पार्टी हैं, जब जाओ आप फार्म ट्रैक 60 खरीदें, वरना नहीं खरीदें दोस्तों। अपने लोकल राजस्थान में मैसी फर्गुसन ज़्यादा चलता है, और मैसी फर्गुसन में ये अलग से इसमें व्हील लगाया गया है, देख सकते हो अलॉय व्हील जो 35 kg का है एक साइड में, दूसरे साइड में 35 kg का है, दोनों साइड में 70 kg का हो चुका है इसका अलॉय व्हील। वही ये ट्रैक्टर की कंडीशन है दोनों की। तो दोस्तों आपको कौन सा ट्रैक्टर इनमें से ज़्यादा पसंद आया, ट्रैक्टर का नाम बताएं, और कौन सा ट्रैक्टर आप इनमें से ख़रीदना चाहते हो, वो वीडियो पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। दोनों ट्रैक्टर बिकावे साहब वही सही ख़रीद सकते हो आप, दोनों ही ट्रैक्टर लाइव चल रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, धन्यवाद। अभी सिरसु काफ़ी बच रही है, और दूसरी साइड से हम गियर वेयर दिखाते हैं इसके, जो नीचे से कुछ ऐसे काम कर रही है, यहाँ से मशीन ने गियर लगा रखा है इसमें, जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस हिसाब से गियर को चेंज किया जाता है, लीवर को अप डाउन किया जाता है।